यह है एफएलसी मशीन। एफएलसी मशीन को बोलते हैं फॉल्ट लोकेटिंग केबल। फॉल्ट लोकेटिंग केबल से अपन को क्या करते हैं, जो अंडरग्राउंड केबल में जो फॉल्ट होता है उसमें अपन सर्ज देते हैं इस मशीन से। इस मशीन से अपन को सर्ज देते हैं और ये बटन है, इसको घुमाते जाएंगे तो इसे सर्ज मिलेगा और जब फॉल्ट रहेगा तो ये एम्पियर मीटर बढ़ेगा है ना। फॉल्ट नहीं रहेगा तो एम्पियर मीटर नहीं बढ़ेगा। ये मशीन का जो आउटपुट टर्मिनल है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक ये टर्मिनल होता है फेस और एक ये न्यूट्रल। और ये मशीन स्टार्ट कैसे होती है, सिंगल फेस सप्लाई से ही स्टार्ट हो जाती है। इसका ये इनपुट टर्मिनल, ये देखिए 220 वोल्ट एसी, और ये इसके दो टर्मिनल हैं। इसका आउटपुट टर्मिनल ये है, एक फेस और एक ये न्यूट्रल, दो टर्मिनल। एक जो केबल फॉल्ट होती है, एक जो फेस फॉल्ट होता है केबल का, एक उसमें कनेक्ट कर देते हैं और एक अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं। ये एफएलसी मशीन के अंदर इससे अपन को सर्ज देते मैंने बताया था, और इससे अपन को ये देखिए 5 KV तक, इसमें ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज इसके अंदर रहता है, उसी से अपन सर्ज देते हैं। सर्ज देने से केबल में ये पता चलता है फॉल्ट कहाँ पर है ना। जैसे देखिए ये ट्रांसफार्मर सप्लाई आ रही है ACB में, यानी ये स्विच है और ये केबल है, मान लो इस केबल में फॉल्ट है कहीं पर। तो जब केबल में फॉल्ट रहेगा तो इस केबल को इससे और यहाँ से इस पोल से दोनों तरफ से इसको अपन को डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद अपन को इस केबल में सबसे पहले अपन को ये चेक करेंगे इसमें फॉल्ट कहाँ पर है, तो ये अपन टेस्ट लैंप चेक करेंगे। तो एक टेस्ट लैंप यहाँ कनेक्ट करेंगे उसका एक टर्मिनल, उसका फेस यहाँ से देंगे और एक यहाँ कनेक्ट करेंगे उसका दूसरा टर्मिनल टेस्ट लैंप का, जैसे ऐसा एक टेस्ट लैंप हो गया ना। एक फेस यहाँ से दे देंगे और फेस यहाँ से दे दिया इसमें, अगर ये जलेगा हाँ, अगर ये बल्ब जलेगा तो इसका मतलब फॉल्ट है। अगर ये बल्ब जलेगा तो इसका मतलब फॉल्ट है, अगर बल्ब नहीं जलेगा तो फॉल्ट नहीं है। ऐसे ही अपन सबसे चेक करेंगे इसको, एक आर में लगाएंगे, इधर लगाएंगे, एक आर फेस यहाँ से दे देंगे और एक न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट करेंगे। अगर बल्ब जलेगा तो इसका मतलब फॉल्ट है, बल्ब जलेगा तो यहाँ का एक फेस और यहाँ का एक फेस अगर लगाएंगे सीरीज लैंप के थ्रू, तो अगर ये जलेगा अगर बल्ब, तो इसका मतलब फॉल्ट है। और ये समझ में आ जाएगा अपन को इस केबल में किस फेज में फॉल्ट है। और फिर इस केबल में जो ये जो केबल, इसको पहले दोनों तरफ से खोल लेते हैं, मैंने बताया था ये पोल है, ये दोनों तरफ से खोल। अब इस पर अपन को सर्ज देंगे, सर्ज किससे देंगे, FLC मशीन के थ्रू देंगे है ना, FLC मशीन के थ्रू देंगे, जो कि मशीन ये है FLC मशीन। तो FLC मशीन के थ्रू अपन सर्ज देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि ये फॉल्ट, सर्ज देंगे तो पता चल जाएगा फॉल्ट कहाँ पर है। और कहाँ पर है फॉल्ट, ये डिगीफोन से चेक करते हैं है ना। ये है हो गया डिगीफोन। और देखिए FLC मशीन को अपन को सप्लाई कहाँ से दे देना, यहीं से ACB से इसको सप्लाई मिल जाएगी यहाँ से। देखिए ये हो गया डिगीफोन, डिगीफोन से अपन को इसको ये कान में लगाते हैं, इससे अपन को और सर्ज देते हैं, इससे जब सर्ज देंगे तो इसमें एक आवाज़ आती है ना, आवाज़ आती है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी इसका मतलब फॉल्ट वहीं पर है। फॉल्ट वहीं पर, तो अपन वो उसको खोद के अंडरग्राउंड केबल को सही कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ पर फॉल्ट होगा वहीं पर आवाज़ आती है, इसमें कान में लगाने से इसको कान में लगा लेते हैं और इसको अपन स्टार्ट ऐसे करते हैं। ये उन बताता भी है कि केबल कहाँ कहाँ है ना, इसमें एक ग्राफ बनता है, सर्चिंग आती है ना इसमें, हाँ सर्चिंग आती है, रूट से जा रही है हाँ, इसमें केबल का रूट इसमें बताता जाता है और वहीं पर ये साउंड का है, साउंड से चेक कर लो। जहाँ पर फॉल्ट रहेगा वहाँ पर बम फटता है, हाँ बम फटता, बहुत तेज आवाज आती है, तो इसका मतलब फॉल्ट वहीं पर है। मैं आप लोगों को फिर बता दूँ, ये है FLC मशीन, फॉल्ट लोकेटिंग केबल मशीन है, और ये है डिगीफोन। FLC मशीन से अपन सर्च देते हैं, डिगीफोन से अपन को ये पता चल जाता है कि फॉल्ट कहाँ पर है केबल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।